लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर फिर से हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल। चर्चा करेंगे सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। सबसे पहले तो जो सप्ताह के मुख्य त्यौहार हैं, खास तौर से सप्ताह अपने आप में एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह की शुरुआत मंगलवार से मासिक दुर्गा अष्टमी से हो रही है, तो दुर्गा जी की पूजा जरूर करिएगा। और खास तौर से फ्राइडे को बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि वैकुंठ एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और निश्चित तौर पर नारायण की पूजा, हरि पूजा बहुत ही अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं संडे को। तो संडे को रोहिणी व्रत है, सॉरी माफ़ करिएगा, प्रदोष व्रत है, तो जो लोग भी पूजा करते हैं उनके लिए एक शुभ दिन है। अब चर्चा करते हैं मेष से मीन तक का हाल भाई। तो मेष राशि वालों, खास तौर से कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर ये सप्ताह बेहतर होने जा रहा है, लेकिन मध्य से, मतलब बुधवार के बाद से। कैरियर और व्यवसाय में कोई अच्छी सूचना मिलेगी बुधवार के बाद और शनिवार तक। निश्चित तौर पर यह समय आपको आने वाले समय में इस्टेब्लिश करेगा और कहीं ना कहीं कैरियर व्यवसाय में आपको आगे ले जाएगा। धन के मामलों की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रहेगी, आसानी से धन नहीं आएगा, धन फंस फंस के आएगा, इस वजह से आप थोड़ा बहुत परेशान भी हो सकते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य, आपको अपने पत्नी का या पति का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, वहाँ समस्या हो सकती है। आपको भी खास तौर से नसों की कोई प्रॉब्लम या पैरों की कोई समस्या हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और रही बात पारिवारिक जीवन की, आपसी तालमेल बढ़ेगा, आपसी सहयोग भरपूर मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। शुभ तारीख इस सप्ताह की बात करूं तो 21 आपके लिए रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो हनुमाष्टक का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। तो कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर कुछ बेहतरी होने जा रही है, कुछ अच्छा होने जा रहा है और कैरियर व्यवसाय में लाभ की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। निश्चित तौर पर जो पुरानी समस्याएं थी कैरियर की, वो खत्म होंगी। अधिकारी वर्ग सहयोग करेगा और शत्रु पक्ष धराशायी होगा। अब खास तौर से कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं व्यवसाय में, तो ये सप्ताह उसके लिए अच्छा सप्ताह है। अब बात करें धन के मामलों की, तो धन के मामलों में निश्चित तौर पर थोड़ा सा खर्च करने में ध्यान दीजिएगा, बाकी धन आसानी से आता रहेगा और धन की कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा और किसी अगर तीसरे रिश्ते में पड़ना चाहते हैं तो बस थोड़ा एहतियात बरतिएगा। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य पूर्णतया इस सप्ताह सही दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 23 रहने वाली है आपके लिए, 24 का भी प्रयोग कर सकते हैं। महा उपाय की बात करूं तो हल्का सा दही डाल के स्नान करिएगा, सोमवार और शुक्रवार के दिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय के लिए ये सप्ताह कोई बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, कोई नए पुराने मसले उठेंगे जो कि आपको परेशान कर सकते हैं कैरियर में भी व्यवसाय में भी, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, फोकस रखिएगा। उसी के साथ साथ धन के मामलों में भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, पारिवारिक कष्ट, पैतृक संपत्ति से कष्ट, उसी के साथ साथ पिता के धन में कोई दिक्कत आ सकती है। रही बात आपकी आमदनी की, आपकी आमदनी बखूबी आती रहेगी इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन की बात करें तो निश्चित तौर पर किसी तीसरे की वजह से या किसी मेहमान की वजह से घर में थोड़े बहुत क्लेश हो सकते हैं, तो उसको टालने की कोशिश करिएगा। पति पत्नी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, उसे टालने की कोशिश करिएगा। बात करें खासतौर से प्रेमी प्रेमिका की, उनके रिश्ते थोड़े मधुर होते हुए इस सप्ताह दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 23 और 24 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं तो पालक गाय को खिलाइएगा, बृहस्पतिवार के दिन या बुधवार के दिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में स्थितियां थोड़ी खराब होती दिख रही हैं, आपके क्रोध की वजह से कोई बना बनाया काम बिगड़ेगा और कैरियर और व्यवसाय में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है।
धन के मामलों की बात करूं तो धन के मामलों में ओवरऑल आप भाग्यशाली हैं, आसानी से हर कार्य पूर्ण हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, खास तौर से शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, खास तौर से पिता आपका खूब सहयोग करेंगे। उसी के साथ साथ खास तौर से आपकी पति पत्नी के भी रिश्ते मधुर होंगे। अगर कोई अलगाव हो गया था, कोई समस्या हो गई थी, तो इस सप्ताह वो समस्या खत्म हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका को थोड़ी जरूर एहतियात बरतनी है और ध्यान रखना है, नहीं तो रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो निश्चित तौर पर नज़ला, जुकाम, बुखार, इन सब की चीज़ों के साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं इस सप्ताह, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ तो इस सप्ताह आपके लिए रहने वाली है 27 तारीख। महा उपाय की बात करूँ तो निश्चित तौर पर शिव अमोक कवच का पाठ करना चाहिए इस सप्ताह आपको। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, खास तौर से किस चीज़ों में, अधिकारी वर्ग से इंटरेक्ट करते समय, उनसे बातचीत करते समय, कोई मेल लिखते समय, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें पड़ सकती हैं। अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। शत्रु पक्ष हावी रहता दिख रहा इस सप्ताह, व्यापार में थोड़ी बहुत हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। धन के मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर सप्ताह एवरेज है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिएगा और खर्चों पे लगाम लगाइएगा। उसी के साथ साथ कोई लग्जूरियस आइटम, मेटरलिस्टिक गेन्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिएगा इस सप्ताह, वही आपके लिए हितकर रहेगा। अब बात करें खास तौर से आपके पारिवारिक जीवन की, तो निश्चित तौर पर पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी आपका खूब सहयोग करेंगे और आपकी आमदनी के साथ साथ आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में साथ देंगे। प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में थोड़ी जरूर कड़वाहट आ सकती है, थोड़ी टकरार पड़ सकती है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए अलगाव भी हो जाए, तो उस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, सर दर्द, माइग्रेन, उसी के साथ साथ गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस सप्ताह, थोड़ा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं शुभ तारीख की, तो शुभ तारीख आपके लिए इस सप्ताह 23 रहेगी। महा उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में स्थितियां बेहतर होती इस सप्ताह दिख रही हैं, चीज़ें आपके मुताबिक होंगी और खास तौर से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं उसमें। कैरियर और व्यवसाय में कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अब बात करें धन के मामलों में, आसानी से धन आता रहेगा, शेयर मार्केट में खूब इन्वेस्ट करिएगा इस सप्ताह, काफ़ी लाभ दिख रहा है आपको। उसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी बच्चे आपस में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और खास तौर से किसी नए मेहमान से भी मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतया स्वस्थ है, बस सर्दी का थोड़ा ख्याल रखिएगा, कान वगैरह ढक के रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ तो 24 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूँ तो मूंग की दाल का सेवन बुधवार के दिन जरूर करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर स्थितियां आपके मन मुताबिक हो रही हैं, मन प्रसन्न रहेगा, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा और आपके काम की लोग तारीफ करेंगे। धन के मामलों में धन आसानी से बढ़ता दिख रहा है, पुराना इन्वेस्टमेंट अगर मैच्योर करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सप्ताह रहेगा उसके लिए, खास तौर से अपने पुराने शेयर्स के म्यूचुअल फंड्स उन्हें मैच्योर कर सकते हैं। अब बात करें खास तौर से आपके व्यवसायिक जीवन की, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ अच्छी रहेगी, धन आसानी से आएगा। अब खास तौर से पारिवारिक जीवन थोड़ी स्थितियाँ थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है प्रेमी प्रेमिका के बीच, वो किसी तीसरे की वजह से, तो उसका ध्यान रखिएगा। पति पत्नी का आपस में सहयोग मिलेगा, वो बात अलग है कि कुछ दिन के लिए वो थोड़ा बिछड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, पूर्णतया स्वस्थ दिख रहे हैं इस सप्ताह, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख 23 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय, आपको कपूर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के आगे जलाना है, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, वहाँ पे कोई दिक्कतें परेशानी, आपका कॉन्फिडेंस लो होता दिख रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत तक ये स्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। धन के मामलों में कोई तीसरा व्यक्ति आपके धनहानि कराने की कोशिश करेगा, तो अगर वो घरेलू ना हो, आपका विश्वास पात्र ना हो, तो किसी पे भी भरोसा मत करिएगा धन के मामले में इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन की बात करें, पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेम का भी किसी आउटिंग में जाते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह।
अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा है, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिक्कत आपको ब्लड रिलेटेड संबंधित रोगों पे देना होगा। शुभ तारीख आपके लिए 26 और 27 रहेगी। महा उपाय आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा मंगलवार और शनिवार को। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो निश्चित तौर पर जो ये समय है उथल पुथल भरा है। कोई व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति धोखा दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, जितनी उम्मीद कर रहे थे रिजल्ट्स की, इस सप्ताह नहीं मिलेंगे। धन के मामलों में कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी, आसानी से धन आता नहीं दिख रहा है। पारिवारिक जीवन थोड़ी बहुत क्लेश ससुराल की वजह से, किसी तीसरे की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे। प्रेमी प्रेम का को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामलों में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पेट की समस्या, लिवर की समस्या हो सकती है इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं तो 21 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो निश्चित तौर पर विष्णु भगवान को गुड़ और चने की दाल पूरे सप्ताह भोग लगाइएगा सुबह 10 बजे के पहले पहले। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं, स्थितियां ठीक होंगी और आपके मन मुताबिक होंगी, उसमें लाभ भी मिलेगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, कोई नया इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें भी अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, गेट टुगेदर में इन्वॉल्व रहेंगे, पार्टी वगैरह में बाहर जा सकते हैं और लाइफ इंजॉय करेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतया स्वस्थ दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख की बात करूं तो 24 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कुंभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय के लिए एक अच्छा सप्ताह, किसी शुरुआत को देने के लिए एक अच्छा सप्ताह, जहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से चीज़ें मिलेंगी और शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका के छोटे छोटे मुद्दों की वजह से लड़ाई हो सकती है। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में थोड़ा घुटनों की समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं, स्पाइन की समस्या से रूबरू हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो आपके लिए 26 रहेगी। महा उपाय की बात करूं तो तेल का एक दीपक शनिवार के दिन शनिदेव के आगे जला दीजिएगा। मीन राशि वालों, कैरियर उत्तम, कैरियर में कोई बड़ा लाभ की संभावना है। धन के मामलों में भारी लाभ की संभावना है इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते और मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पूर्णतया स्वस्थ दिख रहे हैं, कोई पुरानी समस्या से निजात मिलने जा रही है इस सप्ताह। दिन होगा मंगलवार। अब शुभ तारीख आपके लिए खासतौर से 24 रहेगी। महा उपाय ओम मीनाधिपत्य नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का धन्यवाद।